नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिनभर। मैं हूं शेख जूही। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की फोन टेपिंग को लेकर की गई शिकायत पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व एसडी लोकेश शर्मा को पूछताछ के लिए फिर से तलब किया है। इस बार की पूछताछ कांग्रेस के दिग्गज नेता के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि उनके पूर्व एसडी ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए शेखावत और कुछ कांग्रेस नेताओं के बीच कथित टेलीफोन बातचीत की क्लिप उन्हें खुद गहलोत ने ही दी थी। राजस्थान की सियासत में इस वक्त एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। फोटो में दोनों नेता के चेहरे पर हंसी है। हरियाणा के हिसार में हुई इस मुलाकात को लेकर इस वक्त जनता के बीच कई तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई, जबकि कुछ लोग दोनों नेताओं के बीच की अदावत को लेकर असमंजस में हैं। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में कार्यवाहक मेयर के रूप में कुसुम यादव का चुनाव किया गया है। बीते सोमवार को मुनेश गुर्जर को मेयर पद से हटाया गया था, जिसके बाद कार्यवाहक मेयर चुनने की बात कही गई थी। इसके बाद अब मंगलवार को मेयर के रूप में कुसुम यादव को चुना गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुसुम यादव के निर्दलीय पार्षद हैं, यानी मेयर के रूप में ना कांग्रेस और ना ही भाजपा पार्टी से किसी का चुनाव किया गया है। चाकसू के कोटखाबदा रोड पर स्थित गरुड़वासी तराहे पर रविवार को जाट समाज के युवाओं द्वारा वीर तेजा सर्कल का बोर्ड लगाया गया था। इसके कुछ देर बाद ही पालिका प्रशासन ने बोर्ड को हटाकर जब्त कर लिया, जिससे मामला गर्मा गया। बड़ी संख्या में जाट समाज के लोग त्राहे पर एकत्रित होकर बोर्ड हटाने का विरोध जताते हुए पालिका और विधायक के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और बोर्ड को वापस लगाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। रविवार रात भर लोग त्राहे पर धरने पर बैठे रहे। सोमवार को भी बड़ी संख्या में जाट समाज के पदाधिकारी और लोग धरने पर डटे रहे और सर्कल पर लगाए गए बोर्ड को वापस लगाने की मांग कर रहे हैं। धरना स्थल पर बैठे लोगों का कहना है कि पालिका प्रशासन ने वीर तेजा सर्कल का बोर्ड हटाकर लोक देवता तेजा जी का अपमान किया है। हनुमानगढ़ जिले के कई गांवों में आज भूमि आवंटित होने की अफवाह फैलाई गई, जिसके बाद ग्रामीण मित्र संचालकों से फॉर्म लेकर जिला कलेक्टर पहुंच गए। इस दौरान जल्दी फॉर्म जमा करवाने को लेकर ग्रामीणों में भगदड़ मच गई और ग्रामीण भागते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट पहुंचने पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने सफवा बताया। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने फॉर्म देने वाले ई मित्र संचालकों पर कार्रवाई की मांग रखी। इस दौरान जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि भूमि आवंटन को लेकर अभी कोई आदेश नहीं आया है। हालांकि जिला कलेक्टर पहुंचे ग्रामीण से कर्मचारी ने फॉर्म ले लिया, मगर जिला कलेक्टर ने कहा कि भूमि आवंटन को लेकर अगर कोई आदेश आएगा तो ग्रामीणों को बता दिया जाएगा। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खोटिया अंबा दाम पर भारत आदिवासी परिवार द्वारा आदिवासी अधिकार दिवस कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। प्रस्तावित कार्यक्रम में सांसद राजकुमार रोत भी शामिल होंगे, लेकिन उनके यहाँ आने को लेकर लोगों ने विरोध किया। लोगों का कहना है कि सांसद आदिवासी को हिंदू नहीं मानते तो हिंदू धर्म स्थल पर क्यों आ रहे हैं। बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने बुधवार 18 सितंबर को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। साथ ही राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से वापसी को लेकर मुलाकात की थी। अब उनकी इस मुलाकात को लेकर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सांसद उम्मेद राम बेनीवाल बोले, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जिले में अनुशासनहीन और चरित्रहीन नेता के लिए कोई जगह नहीं है। जो पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ चलते हैं और चरित्रहीन है उनको पार्टी कभी नहीं लेगी। नए जिले गंगापुर सिटी में लगभग 7 महीने पहले पुलिस अधीक्षक के पद पर आए एसपी सुजीत शंकर ने कुछ ही महीने में अपनी दबंग कार्यप्रणाली से गंगापुर सिटी जिले में अच्छी पुलिसिंग का उदाहरण पेश किया। कल उनके तबादले का जैसे ही शहर के लोगों को पता लगा तो कल से ही ज्ञापनों का सिलसिला शुरू हो गया। कल भी सामाजिक संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और तबादला निरस्त करने की मांग की गई। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, आज पूरे देश में ईमानदारी की एक ही पहचान और निशान है, अरविंद केजरीवाल और झाड़ू का निशान। आज पूरे देश में ईमानदारी का यही निशान बन गया है। भाजपा ने झूठे आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल और मुझे जेल में डाल दिया, लेकिन अब हम जनता की अदालत में हैं। हमने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है और जनता की अदालत में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप हमें ईमानदार मानते हैं तो हमें फिर से वोट दें और हमें शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री बनाएं, फिर हम अपने पदों पर बैठकर आपके लिए काम करेंगे। जहां एक तरफ पूरे बिहार में बाढ़ ने कहर बरसा रखा है और सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा है,
वहीं दूसरी तरफ एक नदी ऐसी भी है जो शराब उगल रही है। बिहार पुलिस ने नदी के अंदर से शराब की एक बड़ी खेप को जब्त किया। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।